ट्रेन uh, साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे आर एक्चुअली कॉल साइकोथेरेपिस्ट साइकोलॉजिस्ट स्लाइटली डिफरेंट मोर एकेडमिक साइकोथेरेपिस्ट आर दोज हु मीट पीपल एंड हेल्प टॉक टू देम उनसे बात करते हैं उनका सोचने का ढंग बदलते हैं उनका माइंडसेट बदलते हैं और उसकी वजह से कई बार लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है लाइफ में और उनकी जो मुश्किल होती है वो हल हो जाती है देर आर टू थिंग्स एक साइकोथेरेपिस्ट होता है जो सिर्फ बात करते हैं एंड आपकी बातें सुनते हैं और एक साइकैट्रिस्ट होता है जो जो दवाइयाँ भी देते हैं जो लाइक बेसिकली साइकैट्रिक मेडिसिन वगैरा होती है तो दैट इज अ नेक्स्ट लेवल कई केसेज में साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत सारे लोगों को साइकोथेरेपी से भी हेल्प हो जाती है इट्स पार्टली ट्रू लेकिन जो थेरेपिस्ट होता है दे आर इन आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है दे आर एबल टू स्पॉट अ पैटर्न कि आपका सोचने का ढंग ऐसा है, हो सकता है बचपन में आपको बोला गया हो कि तुम किसी काम के नहीं हो तो जब बचपन में हमारा जो माइंड होता है बहुत सॉफ्ट एंड ईजी टू मोल्ड होता है और वो बड़े होके भी अगर आप ऐसा सोचते हो तो वो वो निकाल लेंगे कि आपको बचपन में ऐसा कहा गया था इसकी वजह से आप आज भी अपने आप को अपने आप को कम समझते हो लोगों से एंड उसकी वजह से आपको लाइफ में कॉम्प्लेक्स है और आपको प्रॉब्लम आ रही है हो सकता है इस बारे में आपको भी ना पता हो और अगर आप किसी दोस्त से भी ये बात डिस्कस करो तो उतनी डेप्थ में ये बात ना आ जाए और मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ थेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपसे एकदम गहरी अंदर की बातें करेंगे घंटों मतलब एक सेशन टिपिकली एक घंटे का होता है उससे ज्यादा लोग कहते हैं कि फिर लोग ढंग मतलब उसका बेनिफिट नहीं होता है और उससे कम में भी बेनिफिट नहीं होता लेकिन वो एक एक घंटे का सेशन महीनों तक चल सकता है हफ्ते में एक सेशन हफ्ते में दो सेशन एंड कई लोगों ने रिपोर्ट किया है एंड नाउ इट्स बीन मेजर्ड आल्सो कि लोगों को लाइफ में बहुत फायदा भी पहुंचता है तो फर्स्टली आई एम नॉट वन ऑफ दोजूक है कि ये सब थेरेपी वगैरह बकवास चीज़ है ना ही मैं ये कहूंगा कि इट इज सम रियली अमेजिंग थिंग कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग इफेक्ट हो जाता है ऐसा भी नहीं है बट आई एम बैलेंस्ड एंड आई थिंक इट कैन हेल्प पीपल इफ यू आस्क मी आई थिंक इट्स कैन हेल्प पीपल और ट्राई करने में हर्ज भी नहीं है

डोंट नोट डिपेंडिंग ऑन कौन से शहर में आप रहते हो क्या क्या एक्सपीरियंस है थे बी देर इज टेन ऑल्सो मे also फ्यू I एन आवर आई not very aware of the pricing of therapist but it's in that range so like it is a cost involved but so आप तभी जाओगे जब आपकी life में आपको सच्ची में कोई situation है जिससे आप गुजर रहे हो and then you can go तो ऑफ कोर्स डीज मोटिवेशन वीडियोज ऑल्सो हेल्प आर्टिकल्स ऑल्सो हेल्प आपकी अपनी सेल्फ टॉक ऑल्सो हेल्प्स टॉकिंग टू फ्रेंड्स ऑल्सो हेल्प्स लेकिन पांच सिचुएशन मैं आज आपको देता हूँ जिसमें आपको यू मे नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट एंड फुल डिस्कलोजर आई हैव गॉन टू अ थेरेपिस्ट इन द पास्ट आई हैव गॉन इन टू थाउजेंड नाइन वेन आई क्विट माई जॉब बैंकिंग जॉब आई टेल यू अबाउट इट एंड अगर आपने टू स्टेट्स मूवी देखी हो उसी टाइम पे मैं टू स्टेट्स लिख रहा था तो अगर टू स्टेट्स मूवी आपने देखी हो या बुक पढ़ी हो तो वो बुक और मूवी दोनों स्टार्ट होते हैं मैं एक

डॉक्टर स्नेहा शाहर थेरेपिस्ट और भी शायद फ्यूचर में करूँ इस वीडियो बनाने के बाद सो इट्स डेफिनेटली एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर मी बिकॉज इससे लोगों को uh, अपना माइंडसेट चेंज करने का बहुत फायदा हो सकता है विच इज वॉट दिस चैनल इज ऑल्सो ऑल अबाउट सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइव सिचुएशन फर्स्ट नहीं ले रहे हो आपने बहुत सोचा जब भी हम कोई फैसले प्रोज कॉन्स क्या है इस फैसले के फायदे नुकसान क्या है कुछ फायदे होते है, कुछ नुकसान होते है, और वो दोनों कई बार इतनेस्ड होते हैं या समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मेरे लिए सही है सो दैट इज द रीजन वाई आई एवेंटोस्ट एक्चुअली मैं बैंकिंग जॉब में था इट वॉज really, really well. years of experience, बॉम्बे में था पहले हांगकॉन्ग में था आई कुड गॉन एनी वेयर आईव गॉन बैक टू हॉन्गकॉन्ग्सो मेड लॉर्ड्स ऑफ मनी बट माई पैशन माई कॉलिंग वॉज इन राइटिंग मेरे को राइटिंग करनी थी मैंने एक दो तो बुक्स लिखी भी थी एंड उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ बिकॉज राइटिंग डिंट पे मी दैट मच इट राइटिंग पेड मी फाइव परसेंट मतलब बैंकिंग में मुझे बीस गुना ज्यादा पैसे मिलते थे सो यू नो इट वॉज अग इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिन हैव बीन गॉन लेटर ऑन ऑफ कोर्स राइटिंग ऑल्सो हेल्प मी मेक अ गुड डिविंग But I'm just saying कि वो फैसला जा रहा था नाक में काम हो रहा था एंड आई रियली रीच द वेरी टफ पॉइंट एंड देन आई वेंट टू थे बोला गया कि आप काफी आराम से बातें कर लेते हो सो पीपल हु टॉक एंड हुआ Uh, उनको ज़्यादा फायदा होता है ऑब्वियसली अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो थेरेपिस्ट कॉन्ट हेल्प यू दैट मीट्स वैन यू कैन डिसाइड समथिंग इज वन रीजन इट्स ओके यून यू कॉन्ट डिसाइडर यू शुड क्विट योर जॉब आपको शादी करनी चाहिए या नहीं मे बी इवन लाइक यू नो वेदर यू आर कंसिडरिंग लाइक डिवोर्स समटाइम्स इट्स अबाउट वेदर यू शुड मूव अब्रॉड और नॉट इट इट कैन हेल्प इन थेरेपिस्ट यू कैन आस्क यूर फ्रेंड्स खुद भी कर सकते हो लेकिन थेरेपिस्ट कैन हेल्प सेकेंड इज विच इज वेरी कॉमन एक्चुअली वेन यू आर हैविंग ट्रबल इन रिलेशनशिप पीपल गो फॉर कपल्स काउंसिलिंग पीपल गो फॉर कपल्स थेरेपी उसमें जरूरी नहीं है कपल को साथ में भी थेरेपी होती है लेकिन इट्स ऑल्सो बिकॉज Uh, वो कपल्स तरीके में अलग अलग से भी आपसे मिलते हैं सो so, जब कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही थी, all, है स्पेशली मैरिजेस एंड ऑल विच द बिग रिलेशनशिप अभी छोटा मोटा डेटिंग चल रहा है तो ऑब्वियसली पीपल डोंट गो दू थेरेपी बिकॉज दे जस्ट से चलो यार ब्रेकअप कर लेते हैं बट इट्स नॉट ईजी टू एंड मैरिज यू नो एंड पीपल शुड टेक टाइम एंड इवन लाइक लिव इन और इवन लाइक स्टडी बॉय फ्रेंड जिनको काफ़ी मुश्किल हो रही है समटाइम्स यू नो आप दोनों आपस में लड़ने बैठ जाते हो या फिर आपके फ्रेंड्स आपके साथ उनको लगता है फ्रेंड साइड ले रहे हैं बच्चे साइड ले रहे हैं ये सब होता रहता है तो अ थेरेपिस्ट एक न्यूट्रल चीज़ हो जाती है एंड थेरेपिस्ट अगेन पैटर्न ढूंढता है कि आप अपने पार्टनर से क्यों लड़ रहे हो इट इज़ नॉट अबाउट कि आई डोंट नो तुमने टूथपेस्ट खुली छोड़ दी थी या तुमने टावल नहीं रखा था इट्स नॉट दैट इट इज़ समथिंग एल्स इट्स अ नीड फॉर कंट्रोल एंड ऑल दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू द एक्चुअल थेरेपी बट इन द केस ऑफ आप बहुत क्रॉनिक्रॉनिक मतलब, मतलब हर वक्त या मोस्ट ऑफ द टाइम एक लंबे पीरियड तक यू आरिंग वेरी लो मूड वेरी लो मोटिवेशन यू नो मेरा ये मोटिवेशन चैनल है आई वॉन्ट टू वॉच माई विडियोज एंड फील कि हाँ यार लाइफ में हम कुछ बन सकते हैं बड़ा सोच सकते हैं कुछ आगे बढ़ सकते हैं लेकिन यू नो समाइम्स समथिंग हैपन्स एंड आई यू जस्ट नॉट फील मोटिवेटेड मतलब इट्स यू नो कि इट्स नॉट नॉर्मल मैं पहले ऐसा नहीं था सडनली कुछ हो गया किसी बड़े फेलियर के बाद ये हो सकता है किसी रिलेशनशिप के एंड के बाद हो सकता है ब्रेकअप के बाद हो सकता है कोई इलनेस के बाद भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं यू uh, नो you know, कोई आपने घर शिफ्ट कर लिया आपका शहर चेंज हो गया एनीथिंग एन कॉज दिस कि समथिंग हैज चेंज और आपका मूड अब अच्छा होता ही नहीं है

फिंगर्स क्रॉस नाउ दीज आर माइल्ड सुपरस्टिशंस पर होता क्या है कि हम जब तक वो नहीं करते हमें एक एंगजाइटी हो जाती है अगर बिल्ली रस्ता कट गई अगर हमने रस्ता चेंज नहीं किया जाएगी पार्ट ऑफ यू नोस की देर इज नो साइंटिफिक बेसिस टू दिस बट अ पार्ट ऑफ यूर ब्रेन इज लाइक गेट सेंश जब ऐसा कुछ होता है अगर मैंने वुड को टच नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी दैट्स माइल्ड फॉर्म इज ओके बट कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग हर वक्त फिर वो डी ढूंढते रहते हैं हर वक्त काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको एंगजाइटी हो जा रही है या फिर कई लोगों को लगता है मेरे हाथ गंदे हैं वो तीस, तीस बार हाथ धोते हैं या कई लोगों को लगता है मैंने घर का दरवाजे नहीं लॉक किया आई नो ऑफ अ पर्सन जिसने जो रात को दो बजे उठ के कहते थे मेरा घर गंदा है घर दो बजे रात के झाड़ू मार रही है घर में कोई वर्कर्स भी आता उनको भी उठा दिया चलो चलो साफ करेंगे सो यू नो दैट इज अ क्लियर साइन ऑफ सम प्रॉब्लम इन द मेंटल हेल्थ स्पेस एंड दैट वॉज ओसीडी

फीलिंग कि जितना मेरा पोटेंशियल है लाइफ में मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ you know, कोई एक चीज है जो मैं कोई चीज स्टार्ट करता हूँ मैं कर नहीं पाता मेरा मन हट जाता है yeah, मतलब जो आपकी के आपके पास चीजें हैं उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट निकालना चाहते हो यू वॉन्ट टू रीच योर पोटेंशियल आप में ग्रोथ नहीं आ रही है हो सकता है like, like

वैन यू कै नॉट डिसाइड समथिंग विध कोई बड़ा फैसला जो आप नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है नंबर टू नंबर थ्री एक क्रॉनिक मतलब हर वक्त लैक ऑफ मूड लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है फोर्थ अगर कोई जेनवइन मेंटल हेल्थ इश्यू है जैसे ओसी डी बाइपोलर सिम्टम्स हैं जिससे लग रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम है तब और नंबर फाइव वेन यू वॉन्ट टू ऑप्टीमाइज अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर एंड यू फील की कोई समथिंग इज़ ब्लॉकिंग अव प्रोग्रेस कोई चीज़ आपकी प्रोग्रेस को रोक रही है देन यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट आई डोंट नो इफ यू हैव एवर कंसिडर्ड गोइंग टू थेरेपिस्ट आपने कभी सोचा जाने का या आप गए हो अगर गए हो आपको फायदा हुआ या नहीं प्लीज़ कॉमेंट्स में डालो बिकॉज जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं दे वी इंटरेस्टेड इन ऑल दैट तो आप अपनी नॉलेज शेयर करोगे तो उनको औरों को फायदा हो सकता है सो दिस चैनल इज नॉट जस्ट मी गिविंग नॉलेज इन द कॉमेंट्स यूगा इज कैन गिव नॉलेज सो प्लीज शेयर Your knowledge in the comments, and yeah, share this video and like, subscribe, do all those good things. Such kind of content, if you feel should be promoted, well, please do your little part in doing so. Thank you for watching. Take care. Hi, guys, thank you for watching this video. If you liked it, do like, subscribe, share, and comment. And to invite me as a speaker at your event, please contact my team at the contacts here and also given in the description below. Take care.